नाज़रीन मोहतरम आदाब, मैं हूं आपका मेज़बान जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। हम रखते हैं खबरों पर नज़र, आप रखिए ASJ पे नज़र। पेश है आज की सुर्खी। गोलकुंडे में वाक़े अलकापुर में वक्फ आराजी पर शरपसंद अनासर की शरअंगेजी। वक्फ आराजी पर मंदिर बनाने की मज़मूम हरकत, मजलिस के रुकन असेंबली कारवान की बरवक्त नुमाइंदगी पर हालात बिगड़ने से मुकामी आवाम में बेचैनी पाई गई। पुलिस फौरी हरकत में आ गई और वक्फ बोर्ड नींद से जागी। रिपोर्टर शकील के साथ चीफ एडिटर जावेद की ये रिपोर्ट। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कौसर मुहियुद्दीन रुकन असेंबली कारवान ने कहा, ये पिछले कई सालों से इस मस्जिद का केस चल रहा था कोर्ट में और 2009-10 के दरमियान में कोर्ट का ऑर्डर आ चुका और पिछले 6 महीने पहले वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब को, CEO साहब को दूसरे मस्जिद कब्रस्तान का दौरा कराते हुए नेकनामपुरा और अलीजापुर की रोड पर जो कुतुब शाह दौर की मस्जिद है इसका भी मायना कराए और उसी दरमियान में उनको कोर्ट के ऑर्डर भी दे चुके और उस वक्त चेयरमैन साहब CEO साहब ने तयकुन दिया था इस मस्जिद को आबाद करने के लिए और जल्द से जल्द आबाद करते हुए जो मस्जिद के तहत 1 एकड़ चम घुंटे ज़मीन है उसकी भी बाउंड्री वाल फिक्स करने का तयकुन दिया गया। मगर ये रात के टाइम कल या दिन के टाइम कुछ नामालूम अफराद यहाँ पर एक पत्थर को चुना डालते हुए नारियल फोड़कर कुछ कुकुम लगाकर शर पैदा करने की कोशिश की गई। जैसे हमको सुबह 11:30-12 बजे के दरमियान में इत्तला मिली, मैं चेयरमैन साहब को और CEO साहब को, DCP बस जोन और गोलकुंडा इंस्पेक्टर ACP साहब को इत्तला दिया। जैसे इत्तला देते ही उन लोग यहाँ पर मौके वारदात पर पहुँचे। इंशाल्लाह उन्होंने अभी उनके कंट्रोल में है और उन लोग तहकीकात कर रहे जो शर पैदा करने की कोशिश की जा रही उनको इंशाल्लाह जल्द से जल्द अरेस्ट करके उनके ऊपर केसेस करने की कोशिश की जा रही। ये अलीजापुर सेवन टू वाली जो रास्ता निकलता है, ईदगाह के बाद से एक रास्ता निकलता है उधर राय दुर्गम के रोड टू ये रास्ता जाने का है। बाजू में एक डिस्प्यूट है। वक्फ वाले भी क्लेम कर रहे हैं, रेवेन्यू वाले क्लेम कर रहे हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल भी क्लेम कर रहे हैं। एक पॉइंट तो केसेस सुलझ नहीं थे, केसेस चल रहे हैं और वो लैंड वालों का क्लेम ये है कि लैंड उनका है लेकिन वक्फ वाले बोल रहे हैं उन्होंने जीते केस में। वो तो नहीं, सिर्फ 3 कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, वेरीफाई करेंगे। वक्फ पे फेवर में हो गया तो रेवेन्यू वालों को बुला के पंचनामा करा देंगे, कॉम्पाउंड वाले बना देंगे, ये मसले का क्लियर हल कर देंगे। ओपन प्लेस है ये, कुछ भी आप शराब वराब पी के पाटला डाल गिरे हुए हैं, ये जो हरकत करें उनके साथ क्या एक्शन लेते करेंगे? जो भी हरकत करें बराबर इंक्वायरी करेंगे, जो बदमाश करें उनके ऊपर क्रिमिनल एक्शन लेंगे। ओपन ही है, ओपन ही है। कोर्ट निगरानगार है सलीम साहब, आके इससे पहले दौरा करके गए 1-1.5 महीना पहले, उन्होंने देख लेके चले गए, कुछ भी नहीं बोले। जब वक्फ बोर्ड पूरे प्रॉपर्टियों को कवर कर रहा था यहाँ भी आके सलीम साहब देख के गए और इसकी गजेट वगैरह मुंतखब वगैरह हमारे पास है। हम जो है सो अगर ये काम नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड के ऊपर कंडम आप कोड़ डालेंगे, यहाँ के लोगों के ऊपर भी कंडम आप कोड़ डालेंगे। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ मंदिर बनेंगी तो अच्छी बात नहीं होंगी। ये प्रॉपर्टी मस्जिद की है, मस्जिद इसमें रहना, मस्जिद आबाद रहना, आबाद करने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं हम। अगर वक्फ बोर्ड साथ नहीं दिया तो हम खुद यहाँ पर कुछ भी करेंगे। वो मंदिर, अगर ये मंदिर बनेंगी तो अच्छी बात नहीं है। बाउंड्री में कुछ था ही नहीं, अंदर नहीं था पहले, कुछ भी नहीं था, बाउंड्री में कुछ चीज था ही नहीं। बाउंड्री में 2 दिन तक कुछ भी था ही नहीं, कल रात से शुरू हो गई वहाँ पे चुनाव। मंदिर कोई मंदिर ही नहीं बनी हुई है, कोई मंदिर बनी हुई नहीं है, खाली पत्थरे लगे हुए। आप वहाँ जाके देख सकते हैं, एक बार नजर उधर मार सकते हैं, वहाँ कोई मंदिर बनी हुई नहीं है, खाली 2 ही दिन हो रहा, कल तक भी कोई चीज नहीं है वहाँ। वक्फ बोर्ड सलीम आए खत हमारे से बात नहीं हुई थी, उन्होंने आए अचानक दौरा कर लेके चले गए जब यहाँ कोई मंदिर वंदिर नहीं बनी थी। ऑलरेडी एक और एक मंदिर वहाँ बनाए तो मिलिट्री वाले रुका दिए वो मिलिट्री ग्राउंड में, यही मस्जिद की बाउंड्री की उधर आगे है मंदिर रुका दिए, वो मंदिर भी वैसी अधूरी पड़ी है। चल रहा है काम, चल रहा है काम, कर रहे हो लोग, चल रहा है, ये काम 4 दिन से चल रहा है। मस्जिद के हाथे में मंदिर बना, मंदिर बना, मस्जिद के हाथे में
ये बाउंड्री घेर के रख दिए थे। मस्जिद आबाद करो, तो आबाद नहीं करे लोग, लेकिन मंदिर की तामीर कर लेके शुरू कर दिए पूजा करना। ये बाउंड्री जितनी भी है मस्जिद की बलबोर्ड वाले करे सो है, वो खड़िया हरे कलर के रखे हुए हैं। ये टोटल मस्जिद की 4 एकड़ है, जिसमें से गजट में अब 2000 गज है ऑलरेडी, 2500 है पूरी जमीन। ये पेटला बुरुज तक इसका मुंतखब है, मुंतखब मिले साहब, ये मुंतखब है ऑलरेडी, ये मुंतखब है। आ जाइए ला लीजिए, बुजुर्ग भाई थोड़ा बुला लो, ठहरो। अस्सलाम वालेकुम, अंदर चलो पूरे।